मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर गोपाल चंद डाट के निर्देश पर नगरपालिका अमले ने होटलों और भोजनालयों पर कार्रवाई की। खरगोन शहर में भीषण गर्मी के चलते खाद्य विभाग द्वारा होटलों और खाने पीने की दुकानों पर दूषित खाद्य सामग्री का उपयोग ना हो, इसी को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगरपालिका प्रशासन ने शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं नगरपालिका अमले ने होटलों और दुकानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया और दूषित खाद्य सामग्री पाए जाने पर सामान की जब्ती भी की। स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चीते ने बताया कि होटलों और दुकानों पर गर्मी के मौसम में दूषित सामग्री, काम करने वाले कर्मचारियों का मेडिकल सहित शारीरिक सफाई और स्वच्छता को लेकर हिदायत दी है। इसी को लेकर निरीक्षण किया और दूषित सामग्री पाए जाने पर सामान जब्त कर कार्रवाई भी की है। ये ग्रीष्मकालीन ऋतु में महोदय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दूषित सामग्री का विक्रय नहीं हो, कोई दूषित पेयजल किसी को दिया नहीं जाए, इसकी सघन जांच चल रही है। होटलों का निरीक्षण भी किया है, कुछ सामग्री भी जब्त करी है आपको? हाँ, कुछ बासी मिठाई जब्त करी है और कुछ बासी खाने की चीज़ें भी जब्त करी है। किचन चेक करे है, यहाँ के वर्करों का जो मेडिकल वगैरह करवाने के निर्देश दिए इनको। ऐसा देखने में आया है कि कई वर्कर मरीज रहते हैं, बीमार रहते हैं, ऐसी स्थिति में उनसे काम लिया जाना उचित नहीं होगा, इसलिए इनको मेडिकल करवाने के सजेशन दिए। ये बाहर जो सड़कों पे सामान जमा के रखा हुआ है, ये सब अभी चेतावनी दे के हटा दिए, अगली बार यदि रखेंगे तो इनकी जब्ती की जाएगी।